बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल शुक्र और करम के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं एक न्यू रेसिपी भिंडिया, और जिसके लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है अम्बी, जिसको हम कैरी कहते हैं, कच्ची कैरी। और इसका थोड़ा सा चॉप लिया गरम मसाला, आधा मिर्च। मैंने सोचा आपको शीशियों में ही बता देती हूँ कि ये मैं डाल रही हूँ। हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया और सुरख मिर्च, और इसमें डलने का नमक। अब हम फ्राई करते हैं भिंडियों को। देखें कितना प्यारी लग रही हैं ये, जितनी प्यारी लगती हैं उतनी खाने में भी मज़े की लगती हैं, और जिनकी नहीं फेवरेट उनकी आज से फेवरेट हो जाएंगी। मस्ट ट्राई दिस। और इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने इसको लाइट ब्राउन करना है और निकाल लेना। फिर इसी आयल में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इसको हल्का सा सोटे करना है, और इसमें हमने ये देखें हल्का सा हलाया, क्योंकि हमने फ्राई की हुई थी भिंडियाँ इसलिए ये बहुत गर्म था। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमारे हाफ के जी से ज़्यादा हैं, क्योंकि 1 kg हमारी भिंडियाँ हैं और हाफ़ के जी से ज़्यादा। इसमें अब हमने हल्दी ऐड कर दी है, क्योंकि हमने प्याज़ों को कोई तो कलर देना नहीं है, इसलिए हमने इसको हल्का सा सौटे करके इसमें हमने हल्दी डाल दी थी। अब हम इसमें वो जो कच्ची कैरी है उसको कचूमर बनाया हुआ था वो हमने क्रश किया हुआ था, क्रश करके उसको के बीच में डाल दिया। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। बहुत झटके फटके से बनती है ये, कोई नहीं है कि इसको भी कुछ वो भूनो, उसको भी भूनो, लास्ट पे भूनना है इन सब चीज़ों को। दादा मिर्च मैंने ऐड कर दी है। अब मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड करूँगी। सुरख मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया, और नमक। मेरी भिंडियाँ बहुत फेवरेट हैं और इसलिए मेरे हस्बैंड की भी बहुत फेवरेट हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और देखें ये मसाला हल्का हल्का सॉटे हो गया। अब इसमें हम फ्राई भिंडियाँ डाल देंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, और हमारा तरीका ये है, हमारे घर में ऐसे ही पसंद की जाती हैं। कईयों में बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन किए जाते हैं, कईयों में बिल्कुल फ्राई भी नहीं की जाती, ऐसे ही डाल देते हैं बग़ैर फ्राई के, वो भी बहुत टेस्ट आता है। उन सब चीज़ों का भी अपने अपने तरीके का, यानी कि जिनके घरों में जैसे खाया जाता है वैसे ही मज़ा आता है। और ये देखें रेसिपी तैयार हो गई है। लास्ट में हमने ज़्यादा सा गरम मसाला डालना है। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक सो टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।